मेरे हिंदू भाइयों, बड़े प्रेम से कहता हूँ, तुम मेरे भाई हो, हारी है और मांसाहारी है ये दोनों। और रामचंद्र के बारे में तो साफ आता है रामचरितमानस के अंदर कि रामचंद्र जी रोजाना एक हिरण का शिकार किया करते थे। जरा गौर करो, चलो खाना ना साबित हो लेकिन शिकार करना साबित है, यानी जीव हत्या साबित हो गई। और ये बताइए कि शंकर भगवान की पत्नी पार्वती जी ने, पार्वती जी ने जब अपने बदन के मैल और कुचैल से गणेश को पैदा किया था और कहा था बेटे मैं नहा रही हूँ, तू दरवाजे पे खड़ा हो जा, किसी को अंदर मत आने देना, मैं स्नान कर रही हूँ। जब शंकर भगवान दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, प्रवेश किया, तो गणेश ने रोका अपने पिता को, शंकर को, हाय मेरे, हाय हाय अजनबी आदमी, तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, मेरी माँ नहा रही है। शंकर भगवान है लेकिन ये नहीं मालूम कि मेरा बेटा है। क्या बोले, तेरी माँ नहा रही है? कौन? का पार्वती जी। कभी पार्वती मेरी पत्नी है, तेरी माँ कैसे हो गई, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। कहा आज ही तो उन्होंने पैदा किया है। बोले ये मौजिजा कब हो गया? आज ही पैदा किया अपने बदन के मैलों को चैन से। कहा दाखिल होने दे। कहा नहीं दाखिल होने दूंगा, मेरी माँ का ऑर्डर है। तलवार निकाली किसने, शंकर भगवान ने, हिंदू भाइयों टच करना मुझे, अगर एक राई के दाने के बराबर, शिव जी के सर के बराबर भी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, टच करने की इजाजत है, टोकने की इजाजत है। महाभारत के प्रति सत्रों के आठवें खंड के अंदर लिखा हुआ है, महाभारत का हवाला देता हूँ, शंकर भगवान ने तलवार निकाली, गणेश की गर्दन मार दी, गर्दन अलग गई जैसे मलक पड़ा है। पार्वती जी बोली मेरे पुत्र को जिंदा करो, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। पत्नी की जिद मानना पड़ी। शंकर भगवान गणेश जी का सर ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो रास्ते में हाथी आ रहा था, उस हाथी का सर काटा और गणेश जी के लगा दिया, गणेश जी जिंदा हो गए। जरा गौर करना, गणेश की खोपड़ी तो मिली नहीं, हाथी का सर लगा दिया। और जब मैं संस्कृत से बीए कर रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे मालूम है मेरे भाइयों कि बायोलॉजी के अंदर मुझे पढ़ाया गया, साइंस पढ़ाई गई, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जाहिर बात है ये जो माइक आप देख रहे हैं इसके अंदर आप कोई बोल्ट कसेंगे तो इतना ही बड़ा होना चाहिए ना भाई, इसके अंदर आप गिलास डालेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि गिलास का होल बड़ा होता है और ये छोटा, लेकिन किसी छोटी चीज में बड़ी चीज आप डालेंगे तो छोटी चीज उसके अंदर आ जाएगी। अब हाथी के सर का होल इतना बड़ा और गणेश जी की गर्दन इतनी बड़ी, अब ये बताओ कि चिपक कैसे गई, उसके अंदर बिल्कुल फिट कैसे आ गया? बायोलॉजी मानने से इनकार कर रही है, साइंस मानने से इनकार कर रही है। अब ये कहो कि ये शंकर भगवान की करामत थी, तो फिर शंकर भगवान की करामत तो ये होना चाहिए था कि शंकर भगवान गणेश जी का असली सर ढूंढ के लाते, यानी वो करामत नहीं आ पाई, ये करामत उन्होंने कर दी। यानी यहाँ बाप ने बेटे की गर्दन काट दी और बाप के बेटे के काटने का हुक्म कुरान में भी मिलता है। हजरत इब्राहिम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चलाई। जरा देखना यहाँ बात क्या है, बात यहाँ ये की गई कि जब छुरी चलाई जा रही थी तो अल्लाह ने हुक्म दिया है छुरी मेरे बंदे इस्माइल पर मत चलना, तो हिंदू भाइयों ने सोचा कि वहां मुसलमानों के नबी की छुरी इस्माइल पर नहीं चली, वो कतल नहीं हुए, वो कटे नहीं, और मेरे गणेश भगवान कट गए। ये बात जब मुसलमान सुनेंगे तो उनको, हमें बड़ी तो इहानत की नजर से, जिल्लत की नजर से देखेंगे कि देखो शंकर भगवान ने तलवार मारी और गर्दन कट गई, और यहाँ तो तलवार छुरी चलाई और गर्दन ही नहीं कटी। तब उन्होंने हाथी के सूंड के काटने का जिक्र किया है, वहां हाथी को जिबा किया गया, हाथी को काटा गया और उसका सर लाकर गणेश को जिंदा किया गया। यहाँ हाथी के कटने का जिक्र है, वहां जन्नत से दुम्बा उतार कर दुम्बे को छुरी से जिबा करने का जिक्र है। जरा गौर करना, यहाँ गणेश भगवान की गर्दन कट गई, फिर दोबारा हाथी का सूंड लगाया तब जिंदा, यहाँ बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, वहां भी बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, यहाँ शंकर भगवान ने गणेश की तलवार मारी, यहाँ इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई, यहाँ गणेश को हाथी का सूंड काट कर जिंदा किया गया, यहाँ छुरी इस्माइल पर नहीं चली, तो यहाँ पर भी एक जानवर के कटने का जिक्र मिलता है दुम्बे का। जरा गौर करना कि हमारे हिंदू भाइयों ने कितना असली में डालडा मिलाया है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब ये असली में डालडा मिल गया है और हिंदू धर्म का भी सत्यानाश हो रहा है, सारे धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, तब ईश्वर ने उस धर्म की रक्षा करने के लिए, उस धर्म की हिफाजत करने के लिए अंतिम महर्षि को भेजा, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, और क्या कहा कि धर्म के अंदर जो बिगाड़ आ चुका है, जो एक ईश्वरवाद मिट चुका है, जो तौहीद में बिगाड़ आ चुका है, जो बहुइश पूजा होने लगी है, मिश्रण होने लगा है, शिर्क होने लगा है।
اے محمد جاؤ تمہیں ایک اللہ کی اپاسنا کا حکم دو, لوگوں کو ایک اللہ کی بھکتی کی طرف بلاؤ, لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ, ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ, مورتی پوجا سے روکو. اور مکہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں, ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی, نوح علیہ السلام کی, حضرت یعقوب علیہ السلام کی, یوسف علیہ السلام کی. مکہ میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, وہ مورتی ناشک آیا, جناب محمد الرسول اللہ اس مکہ میں آیا, محمد رسول اللہ نے 360 مورتیوں کو ناش کیا, مورتیوں کو توڑا, یوسف علیہ السلام کی مورتی کو بھی توڑا, اور ابراہیم کی وہ مورتی کو بھی توڑا, اسماعیل کی مورتی کو بھی توڑا, سارے بتوں کو توڑ کر کہا الحمد اللہ. اور لوگوں ایک ایشور کی تپسیا کرو, ایک ایشور کی اپاسنا کرو, ایک اللہ کی بھکتی کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. ایکم برہما جتی ناست ناست کنچن, ایک ہی برہما پوجیہ ہے, ایکم برہما ایک ہی برہما ہے, جتی ناست دوسرا نہیں ہے, نہ ترتی نہ تیسرا ہے, نہ چتر نہ چوتھا ہے, ایک ایشور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو, اللہ کی بھکتی کرو. مہی دیو سے سبھی کو پرشتوتی, وہ ایشور سمپور پرشنساؤں کے یوگ ہے, ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں, اسی کو قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں, اسی کو وید نے کہا بسور دیامانا, اس اللہ کے لیے, اس ایشور کے لیے بسور دیامانا, جو دیا کرنے والا, جو کرپا کرنے والا, جو رحم کرنے والا, اسی کو قرآن نے کہا الرحمن الرحیم, جو بڑا ہی رحم کرنے والا کرپالو دیاوان ہے. پھر اسی کو وید نے کہا نئے سپتھر آئے آسمان, ایشور ہم کو سکتے مارگ پہ چلا, ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. اسی کو قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی پریرنا دے, ہم کو سیدھے راستے پر چلا. قرآن نے آنے کے بعد بتایا کہ وید بھی تمہارے وید بھی وہی شکشا دے رہے تھے, کیونکہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہو آپ, اور ہو سکتا ہے کہ وید بھی آسمانی کتابیں ہوں. بھائی ذرا چار کتابیں آسمانی ہیں میں مانتا ہوں, تورات زبور انجیل اور قرآن, لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اور آسمانی کتابیں نہیں ہیں. 124,000 لگ بھگ نبی آئے کم و بیش, تو کیا ان کو چار ہی کتابیں دی گئی ہوں گی؟ زبر الاولین قرآن نے کہا ہے کہ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گئے اور ہم نے پہلے بھی کتابیں بھیجی ہیں, تو زبر الاولین پہلے لوگوں کو بھی ہم نے کتابیں دی. اور ہو سکتا ہے کہ ہندو دھرم تو سب سے پرانا دھرم ہے, سب سے پراچین دھرم ہے, سب سے اولڈ ریلیجن ہے, بہت پرانا مذہب, اور اس کے اندر بھی کوئی نبی آیا ہو. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا, تو ہندوؤں کے اندر بھی کوئی ڈرانے والا آیا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ شری کرشن اور رام چندر جی ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہوں, اور ہمارے ہندو بھائیوں نے ان کا نام بدل دیا ہو, تو یہ ڈرانے والے تھے, یہ ایشور کا راستہ بتلانے والے تھے, یہ اللہ کا ستیہ مارگ بدلانے والے تھے, اور آج ہمارے ہندو بھائیوں نے اس کو بدل دیا. ہندو بھائیوں تمہاری کتاب اتھرویت کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بھی پنڈت اس وقت تک مرتا نہیں جب تک کہ وہ اپنے بیٹے کو انک ہی نہ کہہ دے, اپنے بیٹے کو کلمہ نہ پڑھا دے. آپ کی کتاب اتھرویت کے 20 کانڈ میں لکھا ہے لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پرم, تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمدم, ہے میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا. کیا کہا؟ لا الہ ہرن پاپن, ہے میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا, ہرنے پاپن تیرے سارے پاپ ہرن ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے, تیرے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے. ہرنے پاپن الا اللہ پرم پرم, تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمدم, اگر جنت چاہتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا نام لینے والا بن جا, اگر جنت چاہتا ہے تو محمد کی اطاعت کرنے والا, فرما برداری کرنے والا بن جا. میرے ہندو بھائیو بڑے پریم سے کہتا ہوں تم میرے بھائی ہو, آپ کی کتاب کہہ رہی ہے, اور کیا کہتی ہے سنو گے؟ کتاب تمہاری, لکھنے والا پنڈت تمہارا, چھاپنے والی پریس تمہاری, کاغذ تمہارا, قلم تمہارا, سیاہی تمہاری, زبان مسلمان کی, زبان میری, کتاب تمہاری ہوگی اور پنڈت تمہارا ہوگا. اجیان ہے تو کرت محمد محمد اندھکارم ناشم ودھایم ہی تدو دیت وویک. او لوگو
मोहम्मद नामी आदमी धरती पर पधारेगा। यजुर्वेद में लिखा है क्या, मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद नामी आदमी आएगा, अंधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश करेगा, अंधेरे को खत्म करेगा, यानी कौम में, समाज में, मुआशरे में, सोसाइटी में, गांव में जो बुराइयां होंगी उन बुराइयों को वो अंतिम आरिश ही खत्म कर देगा। अंधकारम नाशम विधायम हितदो दयति विवेका, अंधेरे को मेटने वाला, अंधेरे को खत्म करने वाला, जुल्मत को मेटने वाला, तारीकी को मेटने वाला, खत्म करने वाला मोहम्मद होगा। आप देखिए इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अगर 25 मर्द हैं तो 75 औरतें हैं, यानी लड़कियों की तादाद लड़कों की बनिस्बत ज्यादा है। अगर एक लड़का है तो 3 लड़की, 25 मर्द हैं तो 75 औरतें। अब ये बताइए अगर एक आदमी एक औरत से शादी कर ले तो 25 मर्दों को 25 औरतें मिल जाएंगी, 50 औरतें कहां जाएंगी? हिंदू धर्म तो कहता है कि एक ही शादी करो, उसको तलाक नहीं दे सकते, और एक आदमी एक ही पत्नी रख सकता है, 2 नहीं। और कुछ तो ऐसे हैं जो एक भी रखना गवारा नहीं करते, उनकी तादाद भी अगर जोड़ी जाए तो बहुत हो जाएगी। अब ये बताओ कि सब लोग एक एक रखें और कुछ एक भी ना रखें तो लड़कियों की तादाद बढ़ती रहेगी, कहां जाएंगी? और सऊदी अरब के अंदर आप देख लीजिए, उधर भी यही हालत है, 25 मर्द हैं तो 75 औरतें, 3 गुना औरत। अगर एक आदमी एक पत्नी रखे तो 50 औरतें, भाई 25 मर्दों को 25 औरतें मिल जाएंगी तो 50 बाकी बचेंगी। सऊदीया में कोई आदमी ऐसा नहीं है, वहां हर आदमी 2-2, 3-3 औरतें रखता है, एक आदमी 3-3, 4-4 बीवियां रखता है, इसलिए औरतों की पूर्ति होती चली जाती है और इसीलिए सऊदीया में बुराइयां नहीं मिलेंगी। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ एक आदमी एक ही औरत रखता है, इसलिए बची हुई औरतें 50 है, वो क्या कहाँ जाएंगी? कुछ बियर बार में नाचेंगी, कुछ चकलों पे जाके जिस्म बेचेंगी, कुछ कोठों पे जाएंगी, कुछ रोडवेज और स्टेशनों पर ग्राहक ढूंढेंगी, और अटल बिहारी जी का लाइसेंस उनके साथ है। क्यों? वो ये कह नहीं सकते कि तुम शादी, क्योंकि लड़कियां फौरन जवाब देंगी तुम भी तो कह रहे हो, तुम क्यों नहीं कर लेते मेरे साथ शादी? जरा सोचो मेरे भाइयों, और हमारी ये खाकी वर्दी वाले, ये खाकी वर्दी वाले, इन्होंने कानून की वर्दी पहनी है, इन्होंने देशभक्ति का चोला पहना है। ये वर्दी इस बात की अलामत है कि मेरी जान जा सकती है देश के खातिर, लेकिन वर्दी पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे, ये कसम दी जाती है, सौगंध दिलाई जाती है। ये बेहूदा, ये बेईमान, ये बेगैरत उन औरतों को मजबूर करते हैं जिस दिन बेचने पर, और उनसे हफ्ता वसूल करते हैं जिस देश की पुलिस का ये हाल हो कि उन चकले वाली उन तवायफों से उनके जिस्म के बेचने पर रिश्वत लेता हो, उस कौम से, उस भारत से, उस देश के प्रधानमंत्री से अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती, हिफाजत का वादा नहीं लिया जा सकता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे भाई, जिस कौम की पुलिस का यह हाल हो, इसीलिए मैंने कहा था ट्रेन के अंदर, 3-4 आदमी मेरे साथ थे, तकरीर के लिए ले जा रहे थे, लोकल टिकट था चालू, फर्स्ट क्लास के डब्बे में घुस गया, मुझे मालूम ही नहीं था ये डब्बा यहाँ रुकेगा। 2 पुलिस वाले आए, लोकल ट्रेन थी, हमने कहा गए 400-500 रुपए, फर्स्ट क्लास का डिब्बा चालू, टिकट शेरवानी पहने हुए था, लड़के बोले मौली साहब क्या करें, हमने कहा घबराओ नहीं, बोला इतने रुपए तो चले जाएंगे, हमने कहा जाने दो, उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक कि मैं इसको गाली न दे दूं। कहा मौली साहब आप गाली देंगे? हमने कहा वैसी गाली दे दूंगा जैसे नेता लोग स्टेज पे देते हैं। बोला अरे ये महाराष्ट्र की पुलिस है, बंबई की माल डलेगी। हमने कहा बाल ठाकुर का फोटो मेरे पास, पेपर में हमारा उसका फोटो आया था तो पेपर रखा हूं। तो उसने कहा कि यार हमें तो लड़ाई का डर लग रहा। हमने कहा आने दो, आने दो, कुछ कहूंगा, जब 400-500 रुपए जा ही रहे हैं, उसको रिश्वत देना ही है तो कुछ कह के दूंगा। वो आया गरजदार आवाज में, बोला ए कहां जा रहे हो आप लोग? हमने कहा सर ससुराल जा रहा हूं। ससुराल तो समझते ही होंगे आप लोग, ससुराल जा रहा हूं। कहने
ससुराल? तुम लोग यूपी के नजर आते हो, ससुराल जा रहे हो या बम्बई में? हमने कहा क्यों, राजीव गांधी की ससुराल अमेरिका में हो सकती है तो हमारी ससुराल बम्बई में नहीं हो सकती, क्या बात कर रहे हैं? अरे वीआईपी अटैची, हमारी पास वो अटैची है, दुबई के एक शेख ने मुझे दी थी, जो चोर लेके भागता है तो बोलती है चू 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 चू, घर रख के आया हूँ उसको, तो वही अटैची मेरे पास थी। बोला वीआईपी अटैची है, मुझे तो एसआईएस का एजेंट लगते हो पाकिस्तान के, खोल के दिखाओ क्या अटैची में। हमने कहा सर बीवी को लड़का हुआ तोहफा लेके जा रहा हूँ। बीवी को लड़का हुआ तोहफा लेके जा रहा हूँ, तो खोलो तो देखूं क्या तोहफा। हमने सर नजर लग जाएगी, मत देखिए आप। कब बीवी को लड़का कब हुआ जी, कब तुम्हारी शादी कब हुई? हमने कहा सर ऐसे ही 2 महीना हुआ है। कब पागल, 2 महीना हुआ है कि 2 साल हुआ है? होश में बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हमने कहा सर नहीं 2 महीना हुआ है। कब 2 महीने में कहीं लड़का पैदा होता है, बिल्कुल बनाते हो मुझे। हमने कहा सर बड़े अमीर घर की लड़की थी, मैंने पूछा उछा नहीं, जाने दो। काबे कमीने बेईमान, गाली दिया उसने माँ बहन की। काबे माँ बहन की उल्टी सीधी गाली देते, बोला अरे 2 महीने का बच्चा है, हरामी का होगा किसी का, 2 महीने में कहीं बच्चा पैदा होता है, हरामी का होता है वो। हमने कहा सर जाने दो, हराम की औलाद होगी पुलिस में भर्ती कर दूंगा। हमने कहा हरामी का बेटा होगा पुलिस में भर्ती कर दूंगा। बोला उसने कहा मेरा चेहरा देखकर, कहा ये तो मेरे ही मुंह पे पुलिस वालों के मुंह पे हरामी हरामी हम लोग कह रहा है, इसका मतलब ये कोई ऊंचे पोस्ट पे है। एक पैसा नहीं लिया, खुद ही अगले स्टेशन पे दूसरे डब्बे में चला गया, हम लोगों से कुछ नहीं बोला। हमने कहा चलो अल्लाह तेरा शुक्र है, मनु स्मृति में लिखा है हिंदू धर्म की किताब के अंदर, जो रिश्वत खाएगा उसको कुत्ते का जन्म होगा मरने के बाद। हिंदू धर्म में है ना कुत्ता बिल्ली चूहा गिद्ध लगहारा सब बनेगा। हमने तो कहा था ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि ईश्वर हमें मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बना दे, बकरा बन गए तो मुसलमान नहीं छोड़ेंगे, जन्म में तुम परेशान कर लो अगले जन्म में हम परेशान करेंगे। हमने कहा था ठाकुर जी ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर सुअर बना दे वो गवारा है क्योंकि भंगी तुझे खा लेगा, लेकिन मुर्गा बन गया अगले जन्म में तो हम नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही मौलवी हूँ, मौलवी मुर्गा ज्यादा खाते हैं। ठाकुर जी बोला क्या करूं यार, इस जन्म में भी परेशान, उस जन्म में भी परेशान, उस जन्म में तू हमें सता ले, अगले जन्म में हम तुझे सताएंगे, जाएगा कहां बचकर। तो ये हिंदू धर्म के अंदर है, जो रिश्वत खाएगा उसको कुत्ते का जन्म होगा। मनुस्मृति में एक जगह लिखा हुआ है जो जुआ खेलेगा उसको भैंस का जन्म होगा। दुनिया में जितनी आप भैंसें देख रहे हो ना, ये पहले मर्द थे, यही ना मतलब हुआ, इन्होंने जब जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म मिला है। एक जगह मनुस्मृति में लिखा है कि किसी लड़की पर बुरी नजर डालकर देखोगे तो मरने के बाद तुम्हें भी लड़की का जन्म होगा। यानी किसी लड़की पर बुरी नजर डालोगे तो मरने के बाद तुम्हें भी लड़की का जन्म होगा। हमने कहा दुनिया में जितनी भी लड़कियां औरतें दिखाई देती हैं ये सब पहले मर्द थे, इन्होंने लड़कियों को देखा होगा तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। अब दुनिया में अगर कोई आदमी किसी लड़की को गलत नजर से न देखे तो पता ये चला कि लड़की का जन्म ही नहीं होगा, बच्चा बाल ठाकुर पैदा करेगा। सोचो कितना घोटाला हुआ इन किताबों के साथ, कितना घोटाला हुआ इन किताबों के साथ। और हिंदू धर्म से पूछो, हम ईसाइयों से पूछते हैं कि तुम्हारी इंजील कौन लाया, जवाब देते हैं ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी है। हम यहूदियों से पूछते हैं कि तौरात टेस्टामेंट किस पे उतरी है, वो जवाब देते हैं किस पे उतरी है, मूसा पर। हम इनसे पूछते हैं दाऊदियों से जबूर किस पर उतरी, कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम पर। हम मुसलमानों से पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर ये कुरान जो आया है ये कुरान किस पर उतरा, ये जवाब देते हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। ईसाइयों को मालूम है कि मेरा ईसा इंजील ईसा लेकर आया, यहूदियों को मालूम है कि तौरात मूसा लेकर आया, मुसलमानों को मालूम है कि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। अब हमारे भाइयों से पूछो, हम हिंदू भाइयों से पूछते हैं कि अब ये बताओ, हिंदू भाइयों से पूछो कि आपकी ये किताब कौन लेके आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ बैठा हूँ, अगर ये भुजका इलाका कहलाता है मेरे भाइयों, ये सुमरासर गांव के अंदर मेरी आमद पहली बार हुई है, शायद ये डिस्ट्रिक्ट भुज में पड़ता है, पूरे भुज के पंडितों को मैं चैलेंज देता हूँ, सुमरासर के पंडित अगर जवाब न दे पाए तो भुज के पंडितों को बुला लें, और भुज के पंडित भी जवाब न दे पाए तो गुजरात के पंडितों को इकट्ठा कर लें, और पूरे गुजरात के पंडित भी न बता पाए तो पूरे हिंदुस्तान भारत के पंडितों को इकट्ठा कर लें, और मिन्नत और समानत के तौर पर
हमारी जी से कहते हैं कि जितने पंडित हों वो जमीन के पैसे खोद खोद कर जिंदा करें, सारे पंडितों को इकट्ठा कर लो और उनसे पूछो कि तुम्हारी ये वेद जो आकाशीय किताब कहते हो ये वेद लाने वाला अवतार कौन है। आज कोई पंडित इस बात को साबित ही नहीं कर पाएगा, वो बता ही नहीं सकता कि वेद किस नदी पर उतरा, कौन सा अवतार इस वेद को लेके आया। तो जो कौम जो धर्म वेद के लाने वाले नबी को भूल गया हो उसने उनकी किताबों के साथ कितना खिलवाड़ किया होगा, खुद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे भाइयों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस्लाम ने एक मर्द को तीन तीन चार चार औरत के रहने की इजाजत दी है, सिर्फ इसी मकसद से इजाजत दी है ताकि तुम्हारी नस्ल बढ़े और हम कयामत के दिन अपनी उम्मत को देखकर उनकी तादाद को देखकर मैं फख्र महसूस करूँ। ये फैमिली प्लानिंग का मंसूबा आज हमारे यहाँ ज्यादा चल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर भी ये फैमिली प्लानिंग का मंसूबा चलता है। समझ रहे हैं आप, फैमिली प्लानिंग कहते हैं कि बच्चा रहमे मादर में होता है, बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है और हमारी माएं हमारी बहनें इस बात से डरती हैं कि अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो ये खाएगा और औलाद बढ़ेगी, ये फिक्र फाके की नौबत आ जाएगी, गरीबी की नौबत आ जाएगी। अल्लाह कहता है कि जब भी मैं किसी बंदे को जन्म देता हूँ इस धरती के ऊपर तो उसकी रोजी का भी मैं इंतजाम कर देता हूँ। ओ मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, जिन्होंने प्लानिंग के साथ फैमिली प्लानिंग का मंसूबा बनाया है, तुम अल्लाह की तखलीक के अंदर तब्दीली कर रहे हो, अल्लाह की तब्दीली को अल्लाह की तखलीक को बदल रहे हो। अल्लाह जिसको वजूद बख्शना चाहता है तुम उसको खत्म कर रहे हो। जानते हो इसका गुनाह क्या होगा, जानते हो इसका गुनाह क्या होगा? क्या तुमने कभी देखा है, क्या तुमने कभी सुना है? कुरान कहता है कि कयामत के दिन ये जिंदा दफन की हुई लड़की को उठाया जाएगा, और जिंदा दफन से मुराद हर वो रूह है, हर वो बच्चा है जिसको माँ के पेट के अंदर मार दिया गया हो या फैमिली प्लानिंग के जरिए सफाई कर दी गई हो, गर्भपात हो, अमल साकित कर दिया गया हो, ये सारी की सारी रूहों को अल्लाह कयामत के दिन कुव्वत गोयाई देगा और अल्लाह पूछेगा वाइज़ल मौऊदत सुइलत, ये बता कि तुझे तेरे बाप ने किस जुर्म में दफन किया था, किस जुर्म में मारा था, कैसे तुझे कत्ल किया था, कैसे तुझे मारा था। मेरे प्यारे भाइयों, उस वक्त क्या जवाब दोगे, उस वक्त क्या जवाब दोगे? ऐसी औरत का नमाज जनाजा जायज नहीं है जो फैमिली प्लानिंग करती हो, जो अपने पेट के बच्चों को गिराती हो, गर्भपात करती हो, अमल साकित करती हो, गर्भपात होता है, अमल साकित करती हो, ऐसी औरत का नमाज जनाजा भी जायज नहीं है इस्लाम की दृष्टि से। मेरे भाइयों, ये चीज उसको आप अपने जबान में ऑपरेशन भी कह सकते हैं कि ऑपरेशन के जरिए उस बच्चे को की सफाई कर दी जाए या उस बच्चे के वजूद को मेट दिया जाए। जरा कुरान देखो और मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान देखो, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फइन्नी मुकासिरुन बिकुम उल उमम। नबी तो ये कह रहे हैं कि ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे जन्मने वाली हो ताकि कयामत के दिन मैं तुम्हारी तादाद को देखकर फख्र करूं। मेरे भाइयों, एक तरफ ये और एक तरफ वो, हमारी इंदिरा गांधी जी कहती थी नसबंदी करो, हम दो हमारे दो, इसलिए उनकी भी शायद यही दो थे, संजय गांधी, राजीव गांधी। गौर करो कि ये बताओ आज इंसानों के रहने की तो जगह नहीं है, और हमारे भाई क्या कहते हैं, हिंदू भाई कहते हैं जीव हत्या भी मत करो, वो कहते हैं मुसलमान लोग बकरा भैंसा ये सब काट लेते हैं, खा लेते हैं, जीव हत्या करते हैं, जानवरों की जीव हत्या ना करो। आप इंसान होकर हिंदू धर्म के मानने वाले हो, जरा गौर करो, तुम ये कहते हो कि मुसलमान जीव हत्या करते हैं। आप तुम्हारे अस्पताल मुसलमानों की नहीं, सारे बच्चों की जीव हत्या कर रहे हैं। आज इंसानों के रहने की तो जगह नहीं हमारे भारत के पास, अगर हम इनको काटे नहीं, इन जानवरों को जबा न करें तो इनको कहाँ रखें, किसके आश्रम में बांधें? भाई इंसानों के तो रखने की जगह नहीं, कहते हिंदुस्तान की तादाद बढ़ रही है, हम दो हमारे तो दो से ज्यादा नहीं बच्चे होना चाहिए। एक जगह अस्पताल में घुस के देखा तो क्या लिखा, 20 से पहले नहीं, 30 के बाद नहीं, दो से ज्यादा नहीं, यानी शादी करो तो 20 से पहले नहीं, 30 के बाद नहीं, 20 साल हो जाए तो शादी कर लो, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और दो से ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, तेरे बाप का कानून है, दो से ज्यादा नहीं। और अल्लाह के नबी कहते तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फइन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उमम, तुम ऐसी औरतों से शादी करो जो ज्यादा बच्चे जन्मने वाली हो ताकि कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की अक्सरियत को देखकर फख्र करूं। मेरे भाइयों, आज प्लानिंग के साथ ऑपरेशन करके उन बच्चों की हत्या कर दी जाए, उन बच्चों की जान ले ली जाए, कयामत के दिन उस मर्द से, उस औरत से हिसाब होगा, ये कभी ही जुर्म है, उन बच्चों की गर्दनों पर छुरी चलाना है, उसको दबा करना है, उसको
ایسی عورت کا نماز جنازہ جائز نہیں, مسلمانوں کے قبرستان میں ایسی عورت کو داخل کرنے کی بھی اجازت نہیں. دیکھیے مولانا عبداللہ ابن باز, علامہ عبداللہ ابن باز کا فتویٰ ہے, سعودیہ کے مفتی اعظم کا فتویٰ ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو قرآن کیا کہتا ہے, ہمارے ہندو بھائی کیا کہتے ہیں, اچھے کرم کرو گے تو رشی منی بنو گے اور برے کرم کرو گے تو کتا بلی چوہا بنو گے. اور جتنے بھی لنگڑے لولے آدمی دیکھتے ہو کہتے یہ بھی پچھلے جنم کی سزا ہے. نہیں, یہ بتاؤ دنیا میں اچھے آدمی زیادہ ہے یا برے آدمی زیادہ ہے, آپ فیصلہ کر کے بتائیں گے. بھارت کو لے لو, آپ بھی یہی کہیں گے کہ اچھے کم ہیں برے زیادہ ہیں. چلو پرسنٹیج جوڑ لیتے ہیں, اگر 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں کے اندر 90 برے ہوں گے اور 10 اچھے. 100 کے اندر 90 برے اور 10 اچھے. اب یہ بتاؤ کہ بھارت کی آبادی 1 ارب ہے, 1 ارب, 1 ارب کے اندر اگر آپ جوڑیں تو 90 کروڑ برے ہوئے اور 10 کروڑ اچھے. اب اگر بھارت کے اندر 1 ارب آدمی مر جائے تو 90 کروڑ لوگوں کو تو کتا بلی چوہا بن جانا چاہیے اور 10 کروڑ کو رشی منی کا جنم ہونا چاہیے. یعنی اچھے کم ہے برے زیادہ. 100 آدمی جب مرتے ہیں بھارت کے اندر تو اچھے آدمی رشی منی بنیں گے, انسان بنیں گے, اور برے آدمی کتا بلی چوہا بنے گا. اب ہمیں ہمارے ہندو بھائی یہ بتلائیں کہ جب 100 آدمی مر جائیں تو 100 میں 10 کو انسان بنایا جائے گا اور 90 برے ہیں ان کو کتا بلی چوہا بننا چاہیے, تو اب لوگوں کی تعداد گھٹنا چاہیے یا بڑھنا چاہیے؟ بھائی 1000 آدمی مرے گا تو 900 تو کتا بلی چوہا بن جائیں گے کیونکہ برے ہیں, انہوں نے برا کرم کیا ہے. تو اب 100 ہی آدمی تو بچے, 100 آدمی کتا بلی چوہا نہیں انسان بنیں گے, تو پھر جتنے زیادہ آدمی مریں گے اتنا زیادہ کتا بلی چوہا بننا چاہیے, اور جتنے نیک لوگ مریں گے ان کو انسان کا جنم ہوگا. تو لوگوں کی تعداد گھٹنا چاہیے بڑھنا نہیں چاہیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی تعداد سامنے سیرت مصطفیٰ درد ہے رہبری کے لیے, سامنے سیرت مصطفیٰ درد ہے رہبری کے لیے, پھر ہمیں اور کیا تو زندگی کے لیے. دیکھیے ہم کیا ہیں اور پہلے زمانہ کیا تھا. چھوڑ کر ان کے نقش قدم آدمی بھی نہ بن پائے ہم, اچھے تھے کعبے کے بت جو جھکے بندگی کے لیے, سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے, پھر ہمیں اور کیا چاہیے, دوست تو زندگی کے لیے. حشر میں ہم کہاں تم کہاں, جب نہ ہوگا